का मुद्दा हमारा ये है कि जब से मोदी सरकार सत्ता के अंदर आई है, देखिए महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसने सिर्फ झूठा नारा देकर 15 लाख रुपए, जैसे इन्होंने कहा था हर एक के खाते में डालेंगे, झूठा नारा देकर इन्होंने सत्ता हथिया ली। उसके बाद भी महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, गरीबों की जेबों के ऊपर इन्होंने डाका डाला है। और अब चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहे हैं तो इन्हें भारत के गरीबों की याद आ रही है। और जो सिलेंडर कांग्रेस सरकार के अंदर 400 रुपए का मिलता था, इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते 1150 रुपये का सिलेंडर प्रत्येक घर में जाने लग गया। तो ये कहाँ से कहाँ तक आप ये देखो इस महंगाई को ले गए। लगातार LPG गैस के दाम ये बढ़ाते रहे हैं, और पिछले 9 सालों के अंदर उन्होंने कितनी बढ़ाई है, 185% तक की, मतलब LPG गैस की में अंदर इन्होंने बढ़ोतरी की है। और 2020 से तो भाजपा सरकार ने सब्सिडी देनी भी बंद कर दी थी। पहले सब्सिडी का लालच दिया इन्होंने गैस के रेट बढ़ाकर कि हम सब्सिडी खातों के अंदर डालेंगे, लेकिन 2020 के बाद तो वो सब्सिडी देनी भी बंद कर दी। और इन्होंने क्या किया फिर 9 साल के अंदर, मोदी सरकार ने गैस के इतने दाम बढ़ाकर 31.37 करोड़ लोगों को लूटा है। यहाँ आंकड़े बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे लोगों के। और उन्होंने अपनी जनता की जेब के ऊपर कितने 8,33,640 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लूट की है। और हमारी उज्ज्वला बहनों से भी इन्होंने धोखा किया है, जो कि पहले उज्ज्वला योजना शुरू की थी उनके साथ भी इन्होंने 2017 के अंदर वो बंद कर दी थी। अभी तक मोदी सरकार ने 66,702.76 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। और इतनी लूट के बाद यदि 200 रुपये घटाए हैं इन्होंने, तो ये तो एक चुनावी स्टंट है और ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात की है। जनता को बेवकूफ़ बना रही है ये सरकार। और 200 रुपये कम करके इन्होंने अपने बिजनेसमैनों को, जो इनके राइट हैंड है, अडानी जैसे ग्रुप, उनको इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है। और ये केवल एक चुनावी स्टंट है, चुनाव नज़दीक आते देखकर इन्होंने फिर से झूठे जुमलों की बरसात शुरू कर दी है। जैसे इन्होंने 15 लाख रुपए देने का वादा करके वोट हथिया लिए थे, वो स्टंट अब जैसे अगले साल 2024 में इलेक्शन आने हैं तो इन्होंने ये 200 रुपये कम करके जनता की वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता इतनी पागल नहीं है कि इनकी झूठी बातों में अब बहकावे में आ गई आएगी। अब देश की जनता जाग चुकी है और 2024 के अंदर वोट की चोट से इनको सबक सिखाएगी, और इनके झूठ का पुलिंदा जनता के सामने खुल चुका है और इनको सत्ता से बाहर करेगी ये। मैडम आपने कहा कि 200 रुपये कम करके जो है सरकार ने अपने मित्रों को, हाँ अपने हित साधने की कोशिश की है, उनको बेनिफिट दिया है। हाँ जी, तो किस तरह से मैम बेनिफिट दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 200 रुपये से उनको क्या बेनिफिट होगा? उनको 200 करोड़ से कि उनका 5,000 करोड़ का कर्जा बैंक का माफ हुआ है। आप ये देखिए ना, उठा के न्यूज पेपर बोल रहे हैं कि कितनों का इन्होंने, तो ये 200 रुपये जो कम हुए कर्जा माफ होने के बाद हुए हैं। हाँ जी, 200 रुपये कम होने के बाद 5,000 करोड़ रुपए का उनका कर्जा माफ किया गया है बैंकों ने, बैंक के माध्यम से। तो इसका बैंकों से क्या लेना देना मैडम? किन का? क्योंकि पैसा तो बैंक में जमा होता है ना, जाएगा टैक्स सेविंग होगी, जो जनता के ऊपर भार ये डाले हैं महंगाई बढ़ाकर, वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमारा भार ही जा रहा है, इनके चहेतों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। जनता के ऊपर आए दिन महंगाई थोप कर, कभी टैक्स के माध्यम से, कभी GST के माध्यम से, आप देखो कितने किसानों के माध्यम से कहाँ कितने लोगों को ये लूट रहे हैं। जब आप क्या कहना चाहते हैं, 200 रुपये वापस ले देना चाहिए सरकार को? हैं जी, जो 200 रुपये का कम किया है क्या वो नहीं, 200 रुपये वापस क्यों ले? या तो सिलेंडर उसी रेट पर लाएं हमारे जो कांग्रेस सरकार में थे, 450-450 रुपये की लेट। तो महंगाई कम होना शुरू हो तो गई है ना, कि 200 रुपये कम कर दिया तो महिलाओं के ऊपर तो कुठाराघात शुरू से ही कर रहे हैं ये। पहले आप इन्होंने नोटबंदी करके महिलाओं के ऊपर कुठाराघात किया, जो बेचारी महिलाएं
गांव की जो बेचारी अनपढ़ महिलाएं होती थी 100-200 रुपए बचा कर अपने रखती थी कि कोई बहन बेटी आए बार त्यौहार पे हम उसको दे, इन्होंने तो उसके भी रुपये निकलवा दिए। कितनी महिलाएं रोई, उनको लाइन के अंदर खड़ा कर दिया। कभी आपने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लाइन के अंदर लगते हुए देखा है? लाइन के अंदर कौन लगा था नोटबंदी के अंदर? सिर्फ अब ये जो 200 रुपए का मुआ है, इसे आप अच्छा प्रयास मानते हैं या प्रयास नहीं मानते हैं? इसे हम प्रयास नहीं मानते, ये केवल एक जुमला है। इसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए? हैं जी, इसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए? इसके अगेंस्ट ये होना चाहिए कि सिलेंडर वापिस 400 रुपए आए। 200 रुपए कम करके झूठे जुमलेबाजी से जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। अब तो 1100 से 900 पे आ तो गया। नहीं, 1100 से 900 पे आया है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? पहले 400 रुपए में भी तो सिलेंडर LPG तो वहीं से आ रही है ना, गैस, उसमें तो कोई कमी नहीं आई, बन रही है वो, बल्कि गैस पाइपलाइन भी डाली जा रही है और ज़्यादा खपत हो रही है, तो उससे तो रेशो कम होनी चाहिए और रेशो ये बढ़ाए जा रहे हैं। आप देखिए बड़े बड़े NCR में जाके पाइपलाइन अंदर से डाली जा रही है, सड़कों के अंदर से और से, ये तो अपना मुनाफा देख रहे हैं। तो सभी का जवाब वोट की चोट से देंगे हैं? हाँ जी, हम आने वाले इनको वोट की चोट से जनता जवाब देगी।